आज हमारे दुकान पे कंपटीशन हो रहा है और ये भाई आज लिखवा के आया है ना, अपना टाइम आएगा, लगता है इसका टाइम आ गया है। यहाँ पे दो पहलवान आए हैं, छुटकू पहलवान और पतलू पहलवान। ये दोनों बंदे आपस में लगा रहे पंजा, और ये छुटकू पहलवान का कहना ये है से ये इसको हरा देगा, इसको तू हरा देगा। और लंबू पहलवान का कहने का मतलब ये है से तुझको ये दबा देगा। ठीक है, तो तेरा बंटी गया बेटा, चलो ठीक है, पीछे रखा, हाँ ऐसे लगा दम, कमर का जरूरत नहीं लगाना इसमें काउंटर में, मेरे को तो लगाने बाबे। चलो वाह भाई वाह भाई, ये तो अंकुश तिवारी लग रहा है, सब पे निकलेगा भारी। ओए भाई, अरे तालियां बनती है, तालियां बजा इसके लिए भाई। यार भाई इसने इसको हरा दिया, सोच बड़ी बात है, मुझे पता था कि मैं हार जाऊंगा। अच्छा पहले सुनो, वाला इंसान यही कहता है, एक हमेशा ध्यान रखना माइंड में, अगर तुमने पहले फिक्स कर लिया ना तो तुम हार जाओगे, तो तुम्हें कोई नहीं जिता सकता, ये तो सोचना ही नहीं है। अंकुश ये सारा छुटकू, तो ये तो मुटकू निकल गया, अरे लिखा भी है अपना टाइम आएगा, ये नहीं पता वो कब आएगा। मैं आ तो गया, तू जीत गया बता, हाइट देख बंदे की। वे यार भाई कमाल है तू, आवत है मोटा देखकर हटना मत और पतला देखकर सटना मत, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और अलग हो गई। छुटका देखकर मतलब छुटका देखकर हल्के में लेना मत, तो जीत गया यार तू, तो यार कमाल है भाई सच में। और ये भाई आज लिखवा के आया है ना, अपना टाइम आएगा, लगता है इसका टाइम आ गया है। अब ये है देखो चींटी और हाथी का मैच हो रहा है यहाँ, देखो वे भाई कुछ तो राज है तेरे अंदर, कुछ तो आज तेरे अंदर में कोई शक्ति आ गई है। नहीं नहीं ऐसे कैसे पकड़ सकते हैं, ठीक है, और मुझे गुड्डू के चेहरे पे भय नजर आ रहा है, पकड़ सकते हैं। चलो भाई लाना नहीं होता, 1 2 3 1 2 3 3 यार ये तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है। कोई बात नहीं, पावरफुल तो है भाई, इस बात की बात नहीं है, बात यह है सब बंदे ने देख पूरा दम लगा दिया है और बस ये मैच जीतने वाला है। और ये देख कंधे का जोड़ वहां से लगाना नहीं है, गलत है भाई, हाँ नहीं दूर रख भाई, वहाँ टच नहीं होना चाहिए, टच हो गया। बस इसका मतलब जो बंदा अगर हार जाए तो हार गया समझ लो भाई, हार गया वो तेरा दोस्त। हाँ जी, तो अभी हम निकले हैं बवाना के लिए, मुझे दुकान का थोड़ा सा कुछ काम है। एक बात तो पक्की है, जब से मैंने बाइक की सर्विस करवाई है ना, गाड़ी में जान से और आ गई है, लेकिन असली मज़ा तो जब आएगा। ओह हो, ब्रेकर ब्रेकर पता भी लगा यार ब्रेकर का इतना, ये जब 1000 किलोमीटर प्लस हो जाएगी तब इसका पिकअप ही और कुछ और हो गया, तब पिकअप और बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ये 1000 पे लॉक होता है, और ये लॉक जब ही खुलेगा जब 1000 किलोमीटर चल जाएगी जी। और जैसे मैं इस लोकेशन पे आता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पहाड़ों में जाने वाला हूँ या नेपाल साइड में आ गया हूँ, बुद्ध भगवान की जब मैं मूर्ति को देखता हूँ तो ऐसा लगता है मुझे। और हमारे साथ चल रहा है पवन, पवन वो जिसकी साइकिल चोरी हो गई थी, बेचारे की साइकिल मिली नहीं है, मैंने कहा साथ में थोड़ा घूम लेगा और जगह भी देख लेगा, कभी हाँ कभी इसे भेजना हो तो ये जा सके। और हम फंस गए जाम में भाई, किधर जाना है, अच्छा कुछ पंगा हो गया भाई, क्या पंगा हो गया समझ में आ रहा है क्या हुआ है उम्मीद निकलने की, हद हो गया। चलो इंतजार करो जाम खत्म होने का भाई, यो चढ़ा दी जबरदस्ती, हम चढ़ा तो देंगे पर उतरने की जगह नहीं, आगे बच गया भाई। अबे इसको क्या हो गया,
अबे अबे इसको क्या हो गया? अबे इसको अबे स्टार्ट ही नहीं हो रही अरे यार स्टार्ट ना हो रही आंदे जानदे भाई जा भाई तो सीन करवा दिया इन्हें अबे ये क्या सीन था अबे ये क्या सीन है इसका अबे इसका ये क्या सीन था ये हटवाने पड़ेंगे मुझे ये जो लीवर है ना बताओ यार इतनी जल्दी अंधेरा हो गया तो जो बावाना पहुंच चुके हैं अभी हम फैक्ट्री में जाएंगे थोड़ा सा कुछ काम है काम निपटा के आते हैं जी आजा पवन तो अभी हमारा बावाना वाला काम निपट गया है हम वापसी निकल रहे हैं अपनी दुकान के लिए और शाम हो गई है और शाम को बज गए हैं जी 6:10 हो गए हैं और हमने पता नहीं कौन सा रास्ता ले लिया है हम गए किसी और रास्ते से थे और अभी हम आ किसी और रास्ते से रहे हैं और देख भी नहीं रहे ब्लैक शीशे के अंदर में कोई नहीं पता नहीं भाई हम कहां से आ गए और कहां को जा रहे हैं मैं खुद नहीं पता कैसे कैसे रास्ते आ रहे हैं और कैसे कैसे रास्तों से हम निकलना पड़ रहा है हमें और ये बस रास्ता नहीं पता लोग चल रहे हैं तो हम भी ऐसी पीछे पीछे चल रहे हैं जी आसमान से टपके और खजूर पे अटके अब इधर ट्रक फंसा हुआ है अब क्या होगा और कोई रास्ता नहीं है हाँ भाई पवन चतुर्वेदी इधर से जा सकते हैं पक्की बात है चलो फिर पता लगे हम और फंस जाए कहीं जाकर अब ये क्या करेगा ये आते समय भी हमें जाम मिला और जाते समय भी अरे कहाँ जाऊँ बताना हैं अरे कुछ तो बोल दिल्ली में हैं हम आज तक कभी इस रोड पे आए ही नहीं मैं चलो जी अब तो हमें लगता है रास्ता मिल गया है अगर आगे कुछ अपडेट होगी तो आप लोगों को बताते हैं फिलहाल अब हम आप लोगों को दुकान पे ही मिलेंगे जी लॉक कर दिया जाए और कल हम तुझे बदल देंगे भाई चेंज कर देंगे नहीं तो कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को हम सही करेंगे तो अभी घर आए जी और बैंड बच गई हमारी बाइक चलाते चलाते वो जो सीन था ना बाइक स्टार्ट ना होने का ज़बरदस्त सीन था भाई साहब इतना जाम लगा हुआ था लोगों की चें 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 ओ पुं पुं ये उधर से पीछे से आवाज़ लगा रहा है वो पीछे से आवाज़ लगा रहा है एक बार के लिए मैं नर्वस हो गया था लेकिन हमारी बाइक स्टार्ट हो गई और जब मैं सर्विस पे गया था तो उन्होंने मुझे कह दिया था सर आपने जो लीवर लगाया है ना ये आपको परेशान करेंगे और रियलिटी में बात सच हो गई और उसने मुझे लीवर ने मुझे परेशान कर दिया तो उसको हम चेंज कर देंगे या फिर हम देखेंगे अगर उसका कुछ सेटमेंट बनता है तो ठीक है नहीं तो फिर उसे हम बदल देंगे और अभी जो है घर आने के बाद जो है घर वालों की इच्छा है तो चांदनी चौक कबाब खाने जाएंगे तो अभी हम जा रहे हैं चांदनी चौक कबाब खाने के लिए वैसे थका हुआ पर जाना पड़ेगा क्योंकि हमें भी कबाब बहुत पसंद है चलो थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश हो जाओ फिर निकलता हूँ जी टाइम हो गया 9:45 जी फटाफट निकलना पड़ेगा नहीं नहीं लो जी दोस्तों हम पहुँच चांदनी चौक जामा मस्जिद और ये सामने है इतनी भीड़ और ये रहा अटल गुलजार और हमें खाने हैं कबाब तो हम चलेंगे क्रेजी कबाब पे चलो आप लोग चलो ना जाओ रोटी जा रही हमारी रोटी कबाब ये चिकन टिक्का खाते हैं स्वाद लेते हैं हम जो एक कुर्सी पे आए हुए थे और कबाब खा रहे हैं बस मोस्टली हो ही गया है उसके बाद फिर हम निकलेंगे 9:45 पे निकला था और अभी 1:25 पे वापसी आया हूँ अगर चांदनी चौक जा रहे हैं और कुरेसी कबाब ना खाएं तो बेकार है चांदनी चौक जाना
हर जगह की कुछ ना कुछ फेमस है, तो चांदनी चौक की कुरेसी के कबाब एक नंबर कबाब है जी। सुबह हमें जल्दी उठना भी है और 1:30 बजे सो रहा हूँ, तो सोचो कब उठूँगा। तो आज के लिए जी बस इतना ही है। वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता है क्या करना है, और सिर्फ 2 दिन रह गए गेम को।